यहाँ तो वो बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, और ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ महिलाओं की शिकायत। यहाँ पर उसने बताते हैं कि अपने ही गुरु को के फर्जी उसने फेक वीडियो बनाया महिलाओं के साथ। ये सब कोई, ये क्या हिंदुत्व है? यही हमने आत्महत्या की है ऐसा बताया जाता है। एक सुइसाइड नोट भी छोड़ा है, उसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। लेकिन जो बातें उन्होंने अपने सुइसाइड नोट में लिखी है वे चिंतनीय है। किस प्रकार मठ मंदिरों में चढ़ौती के पैसे का दुरुपयोग होता है, किस तरह संपत्ति के बेचने खरीदने में भ्रष्टाचार होता है, ये सब हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और इसमें जिस प्रकार की तस्वीरें आनंद गिरी की आई हैं, वो तो लगता कि फिल्म स्टार बनना चाहता था, कोई महात्मा नहीं बनना चाहता था। आखिर व्यक्ति साधु बनता है तो हर चीज से त्याग करता है, त्याग से ही हमारा धर्म जो है त्याग से ही आगे बढ़ता है और त्याग से ही मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ तो वो बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, और ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ महिलाओं की शिकायत। यहाँ पर उसने बताते हैं कि अपने ही गुरु को के फर्जी उसने फेक वीडियो बनाया महिलाओं के साथ। ये सब कोई, ये क्या हिंदुत्व है? यही हिंदुत्व है लगता है इनका, आज के आधुनिक धर्म का। हम लोग इस बारे में चिंतित हैं किस प्रकार से धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब राम मंदिर की जमीन खरीदी गई, उसमें भ्रष्टाचार, चढ़ौती में स्वयं नरेंद्र गिरी जी ने आरोप लगाया है कि जो चढ़ौती का पैसा आता था वो उसमें से पैसा ले लेता था। ये सब जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है धर्म के लिए। उमा जी ने जो पत्र लिखा है आपको, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने इसको स्वीकार किया कि उनका उनकी फरियादी हुई। राय साहब, आज शिवराज जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। आज बयान दिया उन्होंने कि क्या ब्यूरोक्रेसी में से ब्यूरोक्रेसी को लेकर बोला है कि मतलब बहुत गलत काम हो रहा है, मतलब जमीन पर सही काम नहीं हो पा रहा। जनाब आप यहाँ पर मुख्यमंत्री, तेरा 14 साल हो, कितने साल हो गए? 14 साल। अगर आप अभी तक ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझ पाए तो आपको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।